हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑन ऑनलाइन क्लासेस. इन लेक्चर नंबर 9 ऑफ क्लास 9th वी ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. इन दैट टुडे लेक्चर 10 ऑल्सो वी विल डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 7. देखो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 7. इन दैट क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज गिवन टू यू. ए गोडावन मेजर्स 40 मीटर इनटू 25 मीटर इनटू 15 मीटर. ए गोडावन इज गिवन टू यू. फॉर दैट गोडावन हुज लेंथ इज गिवन टू यू, ब्रेड्थ इज गिवन टू यू एंड हाइट इज गिवन टू यू. आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है एंड हाइट गिवन है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रैट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. सो स्टूडेंट्स, सपोज वी विल कंसिडर ए रूम, दैट रूम इज इन द शेप ऑफ गोडाउन. नाउ वी हियर वी फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेट्स. सपोज इन दैट रूम वी पुट हियर एन करेट्स. कितनी क्रेट्स आप स्टोर कर सकते हो? एन क्रेट्स. सो विच कॉन्सेप्ट वी विल यूज हियर? एन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट गोडाउन और नॉट. आपको नहीं पता दैट हाउ मेनी वुडन क्रेट्स आर प्रेजेंट हियर. सो इन स्टार्टिंग लेट द नंबर ऑफ कैरेट्स बी एन. सो हियर लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेड्थ इज 25 मीटर एंड हाइट इज 15 मीटर. सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच. 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 15 विच विल कम इन मीटर. लेट नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बी एन. आपने क्या लेट किया स्टूडेंट्स? दैट द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बी एन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. आपने किसमें स्टोर कर रखा है? गोडाउन में. सो विच कॉन्सेप्ट वी विल यूज हियर? एन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. दैट वन कॉन्सेप्ट वी विल यूज हियर. एन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ वुड वन वुडन क्रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. सो एन वट इज द वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट? 1.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 40 25 मल्टीप्लाई 15. सो हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स? एन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो एन इक्वल 40 मल्टीप्लाई 25 15 डिवाइड 1.5 1.25 0. नाउ वी विल रिमूव हियर डेसिमल पार्ट. रिमूव करो देन 10 रिमूव 100 रिमूव 10. नाउ डिवाइड 15 15 कैंसिल 5 5 5 जा 25 5 5 5 25 then 8 5 1 2. So what is the value of n? N value 8 multiplied 2 16 multiplied 1000. So n will come 16,000. So 16,000 wooden crates that can be stored in the godown. So आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितनी है?
16,000. Understand that concept? In starting, we consider that the number of wooden crates that a godown can hold or stored be n. In starting, we don't know that how many wooden crates we put in that godown. We don't know. So starting में आपने क्या let किया है? Let the number of wooden crates be n. Wooden crates that can be stored godown n. So n multiply by the volume of that one wooden crates is equals to volume of godown. Understand? Students, that is a very very important question. But here one important thing is that the godown measurement all are given to you in meter meter meter, and wooden crate also is given to you in meter meter. Then question is easy. But if their units are given to you different different, aapko yahan pe unit given hai meter meter meter, and their unit given to you centimeter centimeter centimeter. So firstly you will convert the all units in either मीटर और आइदर इन सेंटीमीटर. या तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और या फिर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a cube whose side is 12 centimeter that can be cut into 8 small cubes. A cube whose side is given to you 8 centimeter that can be cut into 8 small cubes, then find the volume and total surface area of small cube. So in question, what is given to you? In starting, we have a bigger cube. That bigger cube is divided into 8 small small cubes. Concept understand hua? That room, now that room is divided into 10 equal parts. Ye suppose ki block hai. Ab isi block ko maine small small 8 blocks mein divide kar diya. 1 2 3 4 5 6 7. Then what concept we will use here? Volume of that bigger block is equals to the sum of the volumes of 8 small blocks or not? Is bigger block ka volume in 8 small blocks ke volume ke sum ke equal hoga ya nahi hoga? Understand concept? So same concept we will use here. Same concept we will use here. Let the side of small cube be a centimeter. Then, according to question, what is given? Volume of bigger cube is equals to sum of volumes of 8 small cubes. So what is the volume of bigger cube? A cube is equals to 8 multiply by the a cube, right? So a cube, so what is the value of a cube? A, what is the side of the bigger cube? 12 power 3 and divide by 8. Or that can be written 12 multiply 12 divide 8 for 6.
2, 6, 2, 6. So here what will come? A cube is equals to 6 power 3. So here a cube also, there also 6 cube, taking cube root on both side, taking cube root on both sides. So cube root on both side, a power 3 whole power 1 upon 3 is equals to 6 power 3 whole power 1 upon 3. Power upper side, power are given, then powers are multiplying to each other. A power 3 multiply 1 upon 3, 6 power 3 multiply 1 upon 3 cancel. So what is the value of A? 6 centimeters. So our first one, side of the cube, small cube is 6 centimeter. But आपको side find out नहीं करनी, आपको क्या find out करना है? Volume and total surface area of the small cube. So what is the volume? A cube. So now volume of small cube is equals to a cube, which is equals to 6 power 3 is 216 centimeter cube. Second, what we will find out here? Total surface area of the small cube. Total surface area of small cube. So what is the total surface area of the small cube? 6 multiply a square, 6 multiply 6 power 2, 6 multiply 36, that is 216 centimeters. Understand? So in that question, students, a bigger cube is given to you. That bigger cube is divided into 8 small cubes. आपने क्या किया है? Bigger cube को small 8 cubes में divide किया है. So what concept we will use here? The volume of the bigger cube is equals to the sum of the volume of the 8 small cubes. That concept used, with the help of that concept, here we find the side of the new cube or small cube. आपने small cube की sign find out कर ली. After finding out the side, you find out here the volume of the small cube as well as the total surface area of the small cube. Understand? Now next type questions देखो इसमें. Next type question, that is very very important question. A river 3 meter width and 40 meter deep, in which a river 3 meter width and 40 meter deep, in which water is flowing at the rate of 18 kilometer per hour. Water is flowing at the rate of 18 kilometer per hour. Then find the amount of water which can fill the river in 1 minute. Find the amount of water which can fill the river in 1 minute. So 1 minute mein वो जो वाटर का लेवल है या हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द रिवर. सो फर्स्टली रिवर इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. स्टूडेंट्स, रिवर किस शेप में होती है? क्यूबॉइड शेप में होती है. बट फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वी रिक्वायर्ड द लेंथ, सेकेंड थिंग इज द ब्रेड्थ एंड थर्ड इज द हाइट. हियर रिवर विड्थ इज गिवन टू यू, डेप्थ इज गिवन टू यू, but not given that what is the length.
So firstly write down, width is 3 meter and depth deep is 40 meter. Now what is given to student? Water is flowing at the rate of 18 kilometer per hour. What does meaning of that statement? Student, iska meaning kya hai? Water is flowing at the rate of 18 kilometer per hour. Meaning is that in 1 hour, water is flowing up to length equals to 18 kilometer. 1 hour में जो water flow रहा है वो किस length तक flow रहा है? 18 kilometer. But what we will find out, water is flowing, that is 1 minute. So in 1 minute, water is flowing up to length, that is equals to 18 kilometer. को किसमें convert करोगे? Meter में. Divide hour convert into meter, then 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, एंड आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 613. सो लेंथ ऑफ रिवर अप टू वाटर इज फ्लोइंग इन 1 मिनट विच इज इक्वल्स टू 300 मीटर. सो फ्रॉम हेयर द स्पीड ऑफ द वाटर वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिवर. आपने लेंथ ऑफ द रिवर कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इन 1 मिनट. सो अमाउंट ऑफ वाटर विच can fill the river in 1 minute is equals to L into B into H. What is the length? Is 300. What is the breadth? 3, and height is 40. 3 for 12, 3600 meter. So 36,000 meter cube water is filled in the river in 1 minute. So 1 minute में amount of water है जो कितना flow होगा उसमें 36,000 meter cube water present. So understand which concept we will use here? Here breadth is given to you, depth is given to you. Then with the help of speed, firstly we will find out here then what is the length of that given river or the length up to which water is flowing. Kis length tak water flow raha hai? We find out the length of that river from the speed. Understand? So question mein students aapko given kya tha? A river ki width given thi, second the depth is given to you. After that what is given here, water किस रेट से फ्लो रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से फ्लो रहा है. देन वॉट वी विल फाइंड आउट हेयर, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा रिवर से. सो रिवर किस शेप में होती है? क्यूबॉइड शेप में होती है. सो आपको क्या कैलकुलेट करना था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना था. विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यू कैन इजिली फाइंड आउट. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो. इफ एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 9 एंड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
is equals to 40. Then find the TSA of cuboid. Students, what is given to you? Sum of their length is given to you. Under root L plus B plus H is given to you 9, and L square plus B square plus H square is 40. Then how we will find out the total surface area of the cuboid? How we will find out? So we know that the total surface area of the cuboid is 2 bracket LB plus BH plus HL. But we don't know that what is the value of its length, what is the value of its breadth, and what is the value of its height. We don't know. So students, how we will find out? First of all, here given L plus B plus H is 9. Second, L square plus B square plus H square 40. That is first relation, second relation. So squaring on both side of equation first. First ka square karo, kya banega? L plus B plus H whole square equals to 9. Now we know identity, A plus B plus C whole square is A square plus B square plus C square 2 bracket AB plus BC plus C. You the identity. L square plus B square plus H square plus 2 LB plus BH plus HL. 9 square is 81. From equation number second, what is the value of L square plus B square plus H square? Value kya hai? L square plus B square plus H square. L square plus B square plus H square value is 40. So from equation second, substitute karo value. 40 plus 2 LB BH and HL is equals to 81. Now that 2 bracket LB plus BH plus HL is nothing but total surface area of the cuboid. So that is the total surface area of the cuboid is 81 minus 40. So TSA of cuboid will come 41 centimeter square. Understand? So that is the different question. This is based on your concept. ये volume पे base नहीं है, but different question है, conceptual question. Understand? So here sum of length, breadth, and height is given to you. Second is that the sum of the square of their length, breadth, and height is given to you. Then what we will find out here? Here we will find out that what is the टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है. सो इजीली एल प्लस बी प्लस एच इज 9, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज 40. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर क्यों कर रहे हो? बिकॉज वी गेट हियर एल बी बी एच एंड एच एल. सो एल एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर 9 स्क्वायर. नाउ वी नो आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a square plus b square plus c square plus 2 bracket ab plus bc plus this. Now l square plus b square plus h square plus 2 lb plus bh plus hl. Value of l square plus b square plus h square is 40. Substitute. Now 2 bracket lb plus bh plus hl is the value, is total surface area. So what is the TSA? 81 minus 40. So TSA will come 41 centimeter square. Understand? So in today lecture we discuss that question, complete question based on how we will find out the volume of cube and how we will find out the volume of cuboid. Cube ka volume kaise calculate karoge and cuboid ka volume kaise calculate karoge, that we discuss in today lecture. So today exercise 13.5 is completed. That is all about exercise 13.5. So students, firstly you read or you learn all formulas,
then solve all examples of exercise 13.5. after you will go through the exercise 13.5. so I hope that all student will do the exercise 13.5. after, in next lecture we will discuss the concept of volume of right circular cylinder. Right circular cylinder, how we will find out their volume and how we will find out the volume of the hollow cylinder. Right circular cylinder and hollow cylinder, that we will discuss in next lecture. So today that is all about my lecture. Okay, thank you.